तो गाइस अभी फाइनली ट्रेन में बैठ गया हूँ, और फिर ट्रेन में बैठने के बाद वैसे तो सही लग रहा है, ठंडा ठंडा हवा भी चल रहा था, और हमारा जो भाई ब्लैक कलर का पपी था वो मज़े से सोया हुआ था। वैसे तो भाई खतरनाक पिटबुल है, आपको पता ही है, ब्लैक कलर का है और भाई नस्ल भी तगड़ा है। तो अभी भाई सारे सो रखे हैं, बस रात को आवाज़ ना करे, डरी से बात कहे, तो अभी रात भर देखते हैं। बाकी वैसे भाई सब कुछ सही है, यहाँ पर गर्मी नहीं है ज्यादा, जिससे भाई इसको है ना कंफर्टेबल फील होगा। और फाइनली भाई पहुंच गए हैं, भाई दिल्ली से बिहार तक का सफर करा है, और वो भी भाई एक डॉग लेकर के, जो कि भाई ट्रेन में अलाउड नहीं था। पर भाई ये देखो भाई यहाँ पे बत्तख है इसके अंदर, जो कि भाई आवाज सुन के बोलना शुरू कर दिया, उसने इसे पता लग गया। देखते हैं भाई मुझे पहचान पाएंगे नहीं, क्या लग रहा है पहचान पाएंगे? ये देखो भाई डुमरू ने कपड़ा ले रखा है कैसा, एक नंबर का। वो भाई पीछे कबूतर दिखा वो भाई, ये देखो पंजाबी कबूतर छपा रखा है, क्या लिख रखा है इस पे दिखा एक बार, फ्री मिल दे भाई, देख लो कबूतर बाज बन गया डुबर में। वाह क्या मुस्कुराते हैं यार, पहचान पाएंगे कि नहीं मुझे कबूतर बता देंगे यार, देखते हैं भाई अभी पहचान पाएंगे नहीं। आज आवाज क्या आते, वही तो आवाज सुनते हैं ना भाई, बोलना शुरू कर दिया भाई। फाइनली हम अपने, हमारा जो पिटबुल है उसका नाम भी हमने सोच लिया, एक भाई ने कमेंट करा था नाम अच्छा लगा, बहुत सारे नाम भी अच्छे हैं, पर भाई मुझे सबसे बेस्ट नाम लगा वो रखने वाले हैं आज। और अभी फाइनली ये देखो हमारा जो पिटबुल है वो भाई आराम से बैठा हुआ है इसके अंदर, और इसी में लेके आए हुए हैं, और शाम है यहाँ पे भाई, इतना नाम रख दिया। वैसे तो भाई कोको रखा था, पर कोको बुलाता नहीं था, पैंथर। हाँ पैंथर एक नंबर भाई, पैंथर नाम मुझे बेस्ट लग रहा है इसके लिए। हाँ ब्लैक भी है, जेट ब्लैक है पूरा, और पैंथर के कलर का सेम टू सेम है। जो भी फाइनली भाई पैंथर को हमने बाहर निकाल दिया है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है। देखो भाई पहले से मतलब ऐसे है ना, थोड़ा सा पतला हो गया क्योंकि ट्रेन में कर लिया ये, और काटता है थोड़ा बहुत, तो भाई अभी काटेगा, पर सिखाएंगे लॉक लगाना। देख लो भाई, देख लो कैसे कर रहा है, और दांत है, देख लो भाई कैसे कर रहा है, अभी भी काटने की प्रैक्टिस कर रहा है। इसको सिखाएंगे भाई पूरा अच्छी तरह से काटना, कैसे काट रहा है। इसका खाना नहीं खिलाया अभी तक मैंने भाई, दोपहर शाम का खाना रह गया, तो फटाफट पहले खाना बनाता हूँ, सीरियल वगैरह घोड़ता हूँ। एक और चीज दिखानी थी आप सभी को भाई, ये भाई पता नहीं क्या हो गया एकदम से, यहाँ पे जब मैं आया ना यहाँ पे पड़ा हुआ था ये, क्या हो, कैसे हो गया यार, मैं नहीं बताऊंगा क्यों, क्या हुई कैसे, क्या वो कैसे उधर से ये भाग रहा था, इसका गोड़ टूट गया था एकदम से, इधर से गया। अच्छा कुत्ते ने 5 मिनट के इसको चिपट दिया, पैर टूटा हुआ था पहले से, पहले से इसे चढ़ा नहीं गया ऊपर, एकदम से चिपट गया यार इस पे। अरे यार ओ देख संभाल इसको भाई, देखियो कर अटैक कर दे इसको ऊपर। हां और है एकदम से पूरे इस पे काट दिया, उस पे मैंने हल्दी छाप दिया कि अच्छा ठीक हो जाएगा भाई। ये देखो डुंगुर ने वैसे हल्दी वगैरह लगा रखा है, जिंदा है कि भाई लुढ़क गया, और जिंदा है भैया। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ जानी, तुम जितना बताते हो मेरे बारे में इतना बुरा तो नहीं हूँ। ये देखो भाई हल्दी वगैरह भाई डुंगुर ने सब करके इसको लगा रखा है, सब कुछ सही कर रखा है। पीछे भी देख लो भाई, इतनी इतनी जगह पे काट रखा है, पूरा खाना भी नहीं खाया, इसको भी खिला देंगे। अरे यार चल भाई सीरियल वगैरह बनाते हैं भाई, हमारा जो पप्पी है इसके लिए, और उसके साथ साथ इसको भी खिला देंगे भाई। फाइन पानी लेके आ गया, घोड़ते हैं सीरियल वगैरह, ये देखो पानी देख के आ गया पीछे पीछे, आ जा पी ले पानी भी, पानी देखते हैं भाई पानी पिएगा भाई, प्यासा तो है, अभी तो पानी वगैरह भी नहीं पिलाया, लेके आते साथ सीधा वीडियो ऑन कराया मैंने भाई। फाइनली यार खाना वगैरह इसका बना दिया है, ये देखो खा रहा है, और बाकी का है ना भाई के अंदर रख दिया मैंने, ताकि जब बाद में अगर अपना खाना होगा तो खा लेगा, वैसे तो रात को भाई इसके अंदर ही रखेंगे। तो इसने खाना खा रहा है, इसने जो भी खाना बचा हुआ है इसमें से निकाल के बंदर को खिला देते हैं। ये देखो यार रो रहा है भाई, इसको चोट लगा है, बहुत ज्यादा दर्द वगैरह भी हो रहा है। फिलहाल भाई पंखा भी ऑफ है, बोल रहा है यार, हां बदले इनको भी खोलना पड़ेगा भाई, उनको तो भाई कल दिखाऊंगा आप सभी को। फिलहाल भाई इसको है ना पहले खिला देते हैं, क्योंकि भाई उसको तो खिला दिया, फटाफट रात हो रहा है भाई। जो मंकी है वो तो भाई उसे चोट लगा है तो खुद से पी नहीं रहा, तो उसे भाई इस रिंच से पिलाना पड़ेगा, ट्राई करते हैं पिला के, अटैक ना कर दे हमारे ऊपर भाई। ये देखना काटता तो नहीं है, काट भी है भाई मुंह में लगा के, हले अरे यार पिएगा 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 भाई, पानी वगैरह भी है इसमें तो पीना तो चाहिए, पी ले पी ले आराम पी ले यार, नहीं तो बचेगा नहीं, तू पी ले इधर से। अरे यार इसी से करें यार, तो भाई फिलहाल यार इसको है ना ये देखो यहाँ पे लग गया यार, इसको साफ करते हैं भाई। ये देखो देख तो रहा है वैसे, अभी तक जिंदा है, पर भाई मुझे जहाँ तक लग रहा है चांस नहीं लग रहा है इसका बचने का। ये देखो एक आंख भी वैसे बंद होने लग गया इसका, भाई भगवान की दया से भाई बच जाए, और कुछ नहीं चाहिए, बहुत मेहनत से भाई इसको बचा रखा है डुंगुर ने, देख लो पूरा वो सब कुछ लगा रखा है, बस बच जाए ना, पंखा वगैरह भी चला देते हैं भाई, फटाफट पंखा चालू कर देते हैं ताकि भाई आराम से ठंडा हवा लगेगा इसको, फिर मजे से बैठे हुए। तो भाई कैसे बैठा हुआ है, आराम से सोया है, और भाई यहाँ पे पंखा चल रहा है, सही होगा कि नहीं यार? ना यार सही नहीं होगा, मुझे नहीं लग रहा भाई, खाना भी नहीं खा रहा, वही तो हल्दी आया मैंने, वही तो भाई खाना भी नहीं खा रहा, ना ही पानी पी रहा है, नहीं बच रहा यार। देखते हैं भाई बच्चे सही है, वैसे भाई कबूतरों को है ना अभी फिलहाल के लिए खोल देते हैं, पर वीडियो कल बनाऊंगा भाई। तो भाई इतनी मुश्किल से रेस्क्यू करके आया पर बचा नहीं, तो भाई कल कबूतरों की वीडियो बनाएंगे, आज बस खोल खोल के छोड़ देते हैं कबूतरों को। तो फाइनली है ना हमारे जो बत्तख है उनको बाहर
बाहर निकालते हैं। और भाई जो यहाँ पे खाना वगैरह रखा है मैंने, देखा पे उधर क्या नहीं डाला भाई, बोल रहे हैं ना कि बतखों को नहलाने के लिए कुछ बना रखा है, देखते हैं भाई। हरा पानी हो गया है तो कितने दिन से रख रखा है? 3 दिन से हो गया। नहला तो नहीं, इसमें नहलाता तो नहीं है? नहलाता हूँ पर धूप पड़ जाता है, हो गया कल्ला। चलो भाई इस पानी को चेंज कर देंगे, ऐसे तो भाई सही बना दिया, आराम से इसमें मजे से नहाएंगे, कल नहलाएंगे भाई इनको सही से। भाई बाहर एक बार देख लेते हैं कि भाई कैसे है हमारे बत्तख वगैरह और मुर्गे कितने बड़े हो गए हैं। वैसे तो भाई इनको ये सब हटाना पड़ेगा क्योंकि भाई डूंगूर जो है सेफ्टी, देखते हैं भाई कैसे हो गए हैं वो। मुर्गे की तो हाइट भाई उतनी नहीं बढ़ी भाई, पर फिर भी बढ़ी है भाई हाइट 15 दिनों में। वो भाई एक्टिव भी हो गया, पहले से काफी ज्यादा दिखा। और कौन सा इसमें थे जिसको उसको उसने अटैक कर दिया था? वो रहा, वो वाला है। देख लो भाई सही हो गया, पहले से आप बताओ हाइट बढ़ी हुई लग रही है कि नहीं? ओ भाई बत्तख तो यार सही हो गए, हेल्दी अंदर बना रखा हूँ वो, दिखा भाई। इसमें अभी 3 है फिलहाल, पर 4 होते तो ब्रीडिंग बॉक्स वगैरह देखो ढूंढने का सेट कर रखा है, पर इसका कोई फायदा नहीं है भाई। 4 होते ना तब जोड़ा लगाते, अभी तो यार जोड़ा नहीं लगाया किसी ने, पर बाहर निकलते फिर दिखाता हूँ कितने हेल्दी लग रहे हैं। और भाई नए बोले वगैरह बच्चे वो खराब हो गए अंडे उसका, कैसे मैंने फोड़ दिया यार। बता सही में फूट गया हाथ से यार। अरे यार पागल है, मैंने बोला था यार छुई हुई मत पहले से, मैंने कारा यार ईंटे में लड़ गया। छोटी बच्ची हो क्या? मैंने रख रखा था। अरे यार दिमाग खराब कर दिया तूने। ये देखो भाई ये जाल वगैरह है, ये भी रख रखे है, इसमें कुछ और अगर पालेंगे तो इसमें रख लेंगे। अभी तो वैसे बहुत कुछ लेके आना बाकी है। नहीं कर रहा था मैंने, क्यों छुआ यार, पहले मना करा था भाई यार, मैं बोला था कि छुईयो मत, नहीं बच्चा खराब हो गया था। YouTube पे देखा मैंने यार, तो देखा था खराब हो गया था। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना निकाला मैंने YouTube पे, तुझे पता है यार ऐसे दिखाते हैं कुछ भी। चल कबूतर निकाल बाहर। ओ भाई ये देखो, आप बताओ भाई कमेंट करके पहले से हेल्दी लग रहे हैं कि नहीं हमारे बत्तख? देख लो मुझे तो भाई बहुत ज्यादा हेल्दी लग रहा है वैसे, और भाई सही भी लग रहे हैं देखने में। ये तो नंबर चल रहे हैं, बड़े बड़े हो गए। ये देखो भाई व्हाइट वाला क्या ही सुंदर लग रहा है देखने में। भाई ये देखो रोटी लेके आए थे ताकि भाई जो मंकी है अपना उसको खिलाएंगे, पर ऐसे अभी सोया हुआ आराम से पंखे के नीचे मजे से। वैसे भाई अभी इनको ही खिला देते हैं पानी वगैरह में। वो भाई ये देखो भाई पूरा सिस्टम है, ये तो भाई पूरा जेड प्लस सिक्योरिटी बना रखा है डुंगुर ने। फिर फाइनली यार कबूतर सारे के सारे निकाल, निकलने दे आने दे। वो भाई वो देखो जो दो लालू है वो तो भाई लालू जैसा लग रहा है। वो भाई ये देखो हाई फ्लैट भाई, ओ भाई भाई अब मेन दिक्कत है ना ये सब गिनना है कि इसमें से कितने कबूतर है और कितने नहीं है। वो ये लाइट तो मैं लेके चला गया था ना भाई हमारे घर पे तेरा है। वो देखो भाई वो उड़ गया भाई, भाई सारे के सारे कबूतर, वो ये भी उड़ गए 1 2। ओ भाई सितारा, वो देखो भाई सितारा भी उड़ रहा है, 2 4 6 कबूतर उड़ रहे हैं भाई। बहुत दिनों के बाद ऐसे उड़ते हुए देखा है कबूतर, मजा आ रहा है यहाँ पे। बाकी भाई अभी तो और मजा आने वाला है। देख कहाँ पे इतने मस्त। ओ भाई वो देखो, ये मतलब पंख खुला है इसका ना? पंख होके बंद रहा, पंख बंद रहा, ध्यान रखना पड़ेगा भाई भाग वगैरह। आ जा चलो भाई दाना वगैरह दे देते हैं। सच सच बता दूंगा, सच में बंद खराब कर दिया तूने अंडा ना, ये फूट गया हाथ से गिर गया यार। अरे यार तो गाइस आज के ब्लॉग को यही पेंट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरा दिमाग खराब हो गया, कल देखते हैं, अभी जाके चेक करता हूँ कि क्या हाल कर रखा है, तो कल की वीडियो में आपको पता लगेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।